friends, we are going to discuss about the topic plate tectonics. This is a very important part of our geography. Most of the students fear from this topic, but I will explain it in easy way. What is plate tectonics? Before going to start the plate tectonics, I want to aware you from the term plate. What is plate? Anybody knows what is plate? From you, anybody? Simply you all will tell that what is plate? मतलब सब लोग बोलेंगे कि प्लेट. सिंपली अगर कोई पूछेगा प्लेट क्या होता है तो जनरली बच्चे बोलते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं वह हमारा प्लेट होता है. मीन्स यू विल टेल लाइक दैट दिस इज प्लेट. बट इन जियोग्राफिकल टर्म हाउ यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज प्लेट? यू कैन सी दिस इज लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज इन शेप, बट दिस थिकनेस इज वेरी थिन. इट मीन्स यू कैन एक्सप्लेन इट इज लाइक दैट एनीथिंग विच हैव लार्ज सरफेस एरिया बट थिन देयर थिकनेस, दैट इज कॉल्ड प्लेट. एंड आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लेट, प्लेट जो वर्ड है उसका सबसे पहले यूज कौन किया था? तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये जो प्लेट वर्ड है इसको सबसे पहले जो है टू जो विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा इसका, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, टू जो विल्सन. इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होता है प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट के बारे में आप लोगों को पता चल गया. अब आपके आपके पास टॉपिक स्टार्ट होता है प्लेट टेक्टोनिक्स. व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स? अनदर नेम ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज लिथोस्फेरिक प्लेट. अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा ये लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है. लिथोस्फेरिक प्लेट शब्द जो है यह लिथोस्फेयर शब्द से बना हुआ है. जैसा कि आप लोगों के ओरिजिन ऑफ अर्थ पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं कि आपका जो अर्थ है उसको तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है. जैसा कि है क्रस्ट, मेंटल, कोर. मेंटल और ये क्रस्ट, और ये क्रस्ट जो है यह दो भाग में डिवाइड है, यह ओशियन और यह है माउंटेन्स. तो लिथोस्फेयर आपका होता क्या है? लिथोस्फेयर आपका ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट इज नोन एज लिथोस्फेयर. अब लिथोस्फेयर आपको पता चल गया, इसे लिथोस्फेयर आपको जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और प्लस ओशियनिक क्रस्ट, दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर. अब आपको सिंपली पता चल जाएगा कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट है. लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब जो आपका ये लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर इज सॉलिड पोर्शन, दैट इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट. फ्रॉम द डिफिनेशन वी कैन से इजली अब आप लोग एक डिफिनेशन बना सकते हैं व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स और लिथोस्फेरिक प्लेट. एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया आप लिथोस्फेयर इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट और प्लेट टेक्टोनिक्स. अब पूरे प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको पढ़ना क्या है इसको आप लोग देख लीजिए. बेसिक्स मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिक क्या होते हैं. उसके बाद टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं. प्लस आपको इसमें पढ़ना है पैलियो मैग्नेटिज. यह शब्द आप लोगों के मन में पहली बार आया होगा. इसका अर्थ होता है सिंपल सा, इसके अर्थ होता है कि हम जो भी रॉक्स हैं,
रॉक्स, रॉक्स में मैग्नेटिक के अध्ययन को ही पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इन द टर्म हाउ वी विल एक्सप्लेन इट, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन रॉक्स, दैट इज कॉल्ड पैलियोमैग्नेटिज्म। तो आप लोग डरना नहीं है इस टॉपिक से, सिंपली आप लोग जान गए बेसिक इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ प्लेट, प्लेट मूवमेंट्स कितने प्रकार के इसके मूवमेंट होते हैं, व्हाट इज पैलियोमैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन रॉक्स दैट इज कॉल्ड पैलियोमैग्नेटिज्म। इसमें पढ़ना आपको पोलर वार्मिंग का पढ़ना है कि आपके जो पोल्स होते हैं इसके मूवमेंट कैसे होते हैं, उसके बाद इसमें वोल्केनिज्म पढ़ना है, उसके बाद अर्थक्वेक पढ़ना है, उसके बाद माउंटेन बिल्डिंग पढ़ना है, बस इतना ही टर्म आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ना है। तो बेसिक्स पर आ जाते हैं, जनरल्स ऑफ बेसिक्स। बेसिक्स का अगर हम लेते हैं उदाहरण, तो प्लेट्स, अच्छा आप लोगों को मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये प्लेट्स आखिर प्लेट्स आए कहाँ से है। तो इन द फर्स्ट चैप्टर, इन द फर्स्ट क्लास आई अवेयर यू फ्रॉम द टॉपिक पेंजिया, अल्फ्रेड वेगनर एंड टेलर, दे एक्सप्लेन देयर हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ओरिजिन ऑफ अर्थ बिगेन्स। तो सब कोई का मानना है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी जो था, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि यह अर्थ जो है वह आया कहाँ से है। तो पहले यह एक पॉइंट था, पॉइंट यह एक लार्ज सॉलिड स्फीयर था, उसके बाद यह बहुत हॉट था, फिर जब इसका विखंडन हुआ तो यह कई टुकड़ों में बट गया, कई टुकड़ों में बट गया, जिसमें से आपका एक अर्थ भी था। उसके बाद अर्थ की जब उत्पत्ति हुई स्टार्टिंग में, तो वह बहुत गर्म था, अप्रोक्सीमेटली इट वाज 1 और 32 जीरो, मीन्स यू कैन राइट इट इन लाइक दिस, 10 into 10 to the power 31 डिग्री सेल्सियस, मीन यू कैन सी हाउ मच हॉट वाज दैट, बट स्लोली स्लोली इट बिगेन टू कोल्ड एंड देन आफ्टर लिविंग बींग्स आर सर्वाइव। इन द बिगिनिंग साइंटिस्ट गेट वन मैटर दैट वॉज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्टार्टिंग में हमको एक हाइड्रोजन मिला, उसके बाद दूसरा एलिमेंट बना हीलियम, उसके बाद जो है बिफोर 2.5 बिलियन एगो आपका लाइफ आया धरती पर, लाइफ आया, उसमें पहले क्या थे, यूनिसेलुलर्स आए, उसके बाद मल्टी सेलुलर्स आए, फिर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे सर्वाइव करने लगे। और आप लोगों को पता होगा कि अर्थ स्टार्टिंग में दो भाग में डिवाइड था, या तो ये कॉन्टिनेंट्स यानी कि सॉलिड पोर्शन रहा होगा, या फिर ये लिक्विड पोर्शन रहा होगा, लिक्विड पोर्शन रहा होगा। तो ये जो लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन दैट इज नाउ नोन एज ओशियंस एंड विच इज सॉलिड पोर्शन दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंट, सिंपल कॉन्टिनेंट्स। तो किसी भी टॉपिक से आपको घबराना नहीं है, जैसे कि वो आप लोगों को पता चल गया व्हाट इज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, सॉलिड पोर्शन इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड लिक्विड पोर्शन इज नोन एज ओशियंस, सिंपल। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा प्लेट्स, आखिर प्लेट्स कैसे आए। तो जैसे कि हम अभी आप लोगों को बताए कि यह एक सॉलिड पोर्शन था बिफोर, यह सॉलिड पोर्शन धीरे धीरे कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, उसी से आपके प्लेट्स का निर्माण हुआ। अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर यह डिवाइड क्यों होगा। तो जैसा कि अभी हम लोग आप लोगों को बताएं कि बिग बैंग थ्योरी बताता है कि अर्थ जो है वो स्टार्टिंग में बहुत हॉट था, यानी कि 10 to the power
31 डिग्री सेल्सियस था, अप्रोक्सीमेटली इतना डिग्री सेल्सियस था। तो यार इतना ज़्यादा गर्मी थी अर्थ में, तो धीरे धीरे यह ठंडा हुआ, लेकिन ठंडा तो हुआ लेकिन अर्थ के अंदर यह जो है गर्मी अभी भी तो वर्तमान में है। तो यही जो है उष्मा आपका धीरे धीरे निकलता है, कहीं कहीं पर देखते होंगे वोल्केनो आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर माउंटेन बिल्डिंग बन जाती है। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब इसी ये जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है उसी के ही उदाहरण है। ये जब टेम्परेचर धीरे 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 ऊपर आते हैं तो ये आपका धीरे 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 फूलने लगते हैं। उसके बाद ये कॉन्टिनेंट्स ब्रेक कर जाते हैं, यही ब्रेक करके ही प्लेट्स बनाते हैं। इसी से ही आपके ये प्लेट्स बने हुए हैं। तो इतने समय अभी देखा जाए तो हमारे पास जो है कितने प्लेट्स हैं। अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि प्लेट्स क्या होते हैं, जो सॉलिड ही होते हैं। तो यहाँ पर आप रॉन्ग होंगे, क्योंकि प्लेट्स जो होते हैं वह सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड प्लस लिक्विड भी हो सकता है। जिसमें आप लोगों को डिवाइड किया गया है कि 7 मेजर प्लेट्स हैं एंड सम माइनर प्लेट्स हैं। इन द मैप इजिली वी कैन सी लाइक दैट, दिस इज आवर मैप, एंड इन दिस यू कैन सी दैट दिस इज पैसिफिक प्लेट मीन्स दिस इज टोटली ओशियन, दिस इज आल्सो ओशियन मीन्स पैसिफिक प्लेट इज टोटली ओशियन मीन्स ये भी तो एक प्लेट ही है, ये क्या सॉलिड है? सॉलिड तो नहीं। इसे पता चलता है हमारा प्लेट जो होता है वह सिर्फ सॉलिड नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में, यहाँ पर सॉलिड पोर्शन भी है, लिक्विड पोर्शन है। मीन्स इससे आप लोग को अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्लेट्स होते हैं वह सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड भी होते हैं, मेजर प्लेट्स। अब क्वेश्चन बनता है आप लोगों के, जो 7 मेजर प्लेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। 7 मेजर प्लेट्स जो हैं वह आपका नॉर्थ अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिकन प्लेट हुआ, उसके बाद यूरेशियन प्लेट हुआ, अंटार्कटिक प्लेट हुआ, एक दो तीन चार पैसिफिक प्लेट हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन हुआ, और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीकन हुआ। ये है आपके 7 मेजर प्लेट्स हैं। और माइनर प्लेट्स भी देख लीजिए। माइनर प्लेट्स जैसे हुए नाजका प्लेट हुआ, कोकोज प्लेट हुआ, उसके बाद स्कॉटिया हुआ, उसके बाद कैरेबियन हुआ, अरेबियन हुआ, ETC। ये सब आपके माइनर प्लेट्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 मेजर प्लेट्स हैं, उसके बाद सम माइनर प्लेट्स है। माइनर प्लेट्स में जैसे नाजका प्लेट हुआ, कोकोज प्लेट हुआ, स्कॉटिया प्लेट हुआ, कैरेबियन प्लेट हुआ, अरेबियन प्लेट हुआ, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ये सब भी मायने रखते हैं हमारे लिए। तो उसके बाद आप लोग बेसिक्स इसमें आप लोगों को पता चल गया कि व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हाट इज प्लेट, हाउ मेनी प्लेट इज देयर। प्लेट इज लाइक इन द सेंस दैट इज सॉलिड आल्सो एंड लिक्विड आल्सो एंड सॉलिड एंड लिक्विड आल्सो। मीन्स बेसिक्स आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग आते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, मीन्स प्लेट्स के मूवमेंट कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी इजीली हम आपको बता देते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट्स, ये किसमें आते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं,
फर्स्ट वन या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, या तो पैरेलल होगा। अब आते हैं कन्वर्जेंट होता क्या है। कन्वर्जेंट फिगर आप लोग ऐसे बना सकते हैं, कन्वर्जेंट एंड दिस इज डाइवर्जेंट एंड दिस इज पैरेलल। पैरेलल तो टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, इसमें आप क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि कन्वर्जेंट क्या होता है। कन्वर्जेंट तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे, अगर आप दो चुंबक हुआ या फिर दो मार्कर ही ले लीजिए, तो आपस में ये आएंगे या तो टकरा जाएंगे या फिर एक इसके नीचे चले जाएगा, एक इसके ऊपर चला जाएगा, या फिर ये आपस में रिपेल कर जाएंगे या फिर ये पैरेलल हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्लेट्स के भी साथ होता है, या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो डाइवर्जेंट होंगे या फिर पैरेलल होंगे। तो अगर ये आपस में रिपेल कर गए तब तो डाइवर्जेंट हो गया, लेकिन अगर ये एक का सबडक्शन हो गया और एक इसके ऊपर चला गया, यह कन्वर्जेंट हो गया, और आपस में अगर पैरेलल हो गए तो यह पैरेलल हो गया। ऐसे ऐसे प्लेट्स के भी साथ होता है। तो कन्वर्जेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट। तो ईच एंड एवरी टॉपिक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो इन द ब्रीफ, बिकॉज दिस इज अ बिग टॉपिक कन्वर्जेंट। बिकॉज इन द कन्वर्जेंट यू विल लर्न कन्वर्जेंट आर ऑल्सो थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक कन्वर्जेंट एंड ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट एंड कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट। मीन्स कन्वर्जेंट भी आपका तीन टाइप का होता है, कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक कन्वर्जेंट, या फिर ओशियनिक ओशियनिक कन्वर्जेंट, या फिर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। मीन्स इसमें भी आप देख सकते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल मीन्स जो आपका सॉलिड पोर्शन है वह है ओशियनिक, मीन्स सॉलिड और लिक्विड का भी कन्वर्जेंट हो सकता है, प्लस ओशियनिक ओशियनिक मीन्स लिक्विड और लिक्विड का भी कन्वर्जेंस हो सकता है, एंड कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट मीन्स या फिर लिक्विड सॉलिड सॉलिड का भी कन्वर्जेंट हो सकता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन हाउ कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक आर गोइंग टू कन्वर्जेंस, एंड मीन्स सॉलिड और लिक्विड इज गोइंग कन्वर्जेंस, एंड ओशियनिक ओशियनिक मीन्स लिक्विड एंड लिक्विड इज गोइंग कन्वर्जेंस, एंड कॉन्टिनेंटल मीन्स सॉलिड एंड सॉलिड इज गोइंग कन्वर्जेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लेट्स कंटिन्यू। इफ यू वॉन्ट टू ए रेगुलर स्टडी एंड टू क्लैरिफाई योर ईच एंड एवरी टॉपिक, सो देन कंटिन्यू द वीडियो, अंडरस्टैंड ऑर नॉट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।